दुनिया के कई ब्रिलियंट साइंटिस्ट हमारी अर्थ के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। मेटिकुलोसिस रिसर्च और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने एक आश्चर्यजनक सफलता हासिल की है। समुद्र के नीचे छुपे हुए इस ग्रेविटी होल ने उन सभी चीजों को चुनौती दी है जिनके बारे में हमने सोचा था कि हम अपनी दुनिया के बारे में जानते हैं। पर आखिर उस ग्रेविटी होल में है क्या? आप एक ऐसी जगह के बारे में सोचें जहां ग्रेविटी का खिंचाव उसके प्रवेश की तुलना में रहस्यमय रूप से कमजोर हो। ये यूनिवर्स में मौजूद एक शून्य की तरह है जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देता है जैसे कि हम उन्हें समझते हैं। दिमाग हिला देने वाली इस घटना ने सभी साइंटिस्ट को अचंभित कर दिया है और उसके परिणाम फ्यूचर में हमें दिख भी सकते हैं। यह डिस्कवरी सचमुच ग्राउंड ब्रेकिंग है। हिंद महासागर में एक ग्रेविटी होल का होना ही हमारी समुद्र कर में होने वाली खोजों के लिए कई रास्ते खोल देता है और ग्रेविटी के नेचर के बारे में गहरे सवाल उठाती है। यह हमारे मौजूदा साइंस मॉडल को चुनौती देता है और आगे की जांच की मांग करता है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैब साइंटिस्ट महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करने के लिए गहराई में उतर रहे हैं। सेंसर्स को लगाने से लेकर सटीक माप करने तक वे उस ग्रेविटी में होने वाले आसपास के बदलाव की पहेली को एक साथ जोड़ रहे हैं। इस खोज के परिणाम काफी दूरगामी होंगे। इस ग्रेविटी होल की गतिशीलता को समझने के लिए अर्थ के जियोलॉजिकल समुद्री धाराओं और यहाँ तक कि यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। इस रिमार्केबल डिस्कवरी में जियोलॉजिकल और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में नया आकार देने की क्षमता है। तो मेरे खोजी दोस्तों, जॉइन अस ऑन दिस अवे इंस्पायरिंग जर्नी, क्योंकि हम हिंद महासागर के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। आइए मिलकर इस खोज के उत्साह को और बढ़ाएं, अपने प्रतिभाशाली साइंटिस्ट को इस काम के लिए अप्रिशिएट करें। आई होप मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।